की चीनी है, जरा लड़के पूछ क्या भाव बेच रहा है। तो उसने बताया कि 2.25 रुपए किलो बेच रहा है। तो जो पुराना दुकानदार था दुकान पे बैठा हुआ, उसने कहा कि तू 2.10 रुपए किलो बेच। जब उसने 2.10 रुपए किलो बेची तो उसकी चीनी बिकनी बंद हो गई। तो जो पंजाब से आया हुआ वो जो पंजाबी था, उसने 2 रुपए किलो चीनी बेचनी शुरू कर दी। अब जो ऊपर बैठा हुआ जो दुकानदार था, उसका दिमाग घूम गया कि ये 2 रुपए किलो लेके आया और 2 रुपए किलो बेच रहा है, पागल तो नहीं हो गया। उसका लड़का भी साथ था। जब वो चीनी की बोरी बेच के और चला गया अपने घर, तो उसने कहा, पिताजी क्या फायदा हुआ, 200 रुपए की आपने बोरी खरीदी, इतनी मेहनत की लेके आए और 200 रुपए ही मिले। तो बोले, तू पागल है, तू समझता नहीं अभी दुकानदारी। देख, ये बोरी हमें बची है, आज ये बोरी बची है, ये हमारी कमाई है और इसको हमने तोड़ दिया, इसका मनोबल तोड़ दिया। अगली बार ये सोचेगा दुकानदार कि ये 2 रुपए कैसे बेच रहे, हम कल फिर बेचेंगे, परसों फिर बेचेंगे, थक जाएगा, इसको हम खा जाएंगे। और वही हुआ दिल्ली में, जो पंजाब से और सिंध से लोग आए थे और जो गुजरात में सिंध से लोग गए, वो यहाँ के सेठी लोगों को खा गए। अब जो ये सेठी शब्द है, ये सेठी शब्द हमारा पुराना पाली का शब्द है, जिसको आप शेट्टी बोलते हैं। शय शब्द पाली में नहीं होता, शय शब्द हमारा नहीं है, शल्यम वाला हमारा नहीं है, संसार वाला से हमारा है। तो सेठी लोग हमारे लोग होते थे। ये त्रिपिटक के अंदर बड़े सारे सेठी लोग थे जिन्होंने बुद्ध की मदद की उस समय, और उन्होंने बहुत पैसा दिया धम्म को आगे बढ़ाने के लिए, धम्म को आगे चलाने के लिए। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और ये जगह जगह सब लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से व्यापार किया। ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने लेबर का काम नहीं किया, जो वहां से लोग आए उन्होंने लेबर का काम नहीं किया। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लेबर का काम करना चाहते हैं, जरा हाथ उठाए, कौन कौन लोग हैं जो लेबर का काम करना चाहते हैं? एक भी नहीं। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम दुनिया का सबसे आसान और सबसे बड़ा काम करें, जरा हाथ उठाए। दुनिया का सबसे आसान और सबसे बड़ा, अरे कुछ लोगों ने अभी भी हाथ उठाए, वो फिर भी लेबर बनना चाहते हैं। और इसके दूसरे नंबर का काम है जो आसान है, थोड़ा मेहनती है। तो पहले मैं आपको काम नंबर 2 के बारे में बताऊंगा कि जो थोड़ा सा आसान है मगर मजेदार है। काम नंबर जो 2 है वो इसलिए आसान है कि उसको बोलते हैं कमीशन वाला या दलाली या एजेंट या सेल परचेज, ये उसके नाम है। बहुत अच्छा नाम बोलेंगे तो उसको बोलेंगे व्यापार। यानी आपने कुछ नहीं करना है। अब ये बात बिल्कुल सच है कि आपने करना क्या है और कैसे करना है। खासतौर से माताएं बहनें इसको ध्यान दें और जो लोग बेरोजगार हैं वो इसका ध्यान दें कि ये काम कैसे होगा। सदर बाजार के अंदर सारी चीजें सस्ती मिलती हैं, लगभग क्या रेट में, लगभग 30% कम में। चावल की बोरी वहां जो 60 रुपए किलो मिलती है, आपको यहाँ 130 रुपए किलो चावल मिलता है। 75 रुपए किलो का चावल सबसे बेहतरीन चावल आता है, जो 200 रुपए किलो मिलता है। आप अगर वहां जाओगे तो जो आपकी लिपस्टिक और बिंदी है, जितने में आप एक लिपस्टिक खरीदते हो उतने पैसे में वहां 12 आती है, 12 आती है 12। और जो कपड़े आप यहां खरीदते हो 500 रुपए में, वहां 500 रुपए में 3 आती है। कभी आप लोग सदर जाया करो अपने बच्चों के साथ, तो आपको पता चलेगा कि आप लोग क्या कर सकते हो। जो पेंसिल आप यहाँ 5 रुपए की खरीदते हो, वहां 20 रुपए की 12 आ जाती है। सदर के अंदर हर आदमी के लिए रेट एक सा होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी शक्ल देख के वो रेट को बदल देगा। वहां आप खरीदे तो आपको करना क्या है, ये जो 14 लोग हैं ये गोंडा की किस्मत बदल सकते हैं। इनको आज आप बोलेंगे, आज से सेठी नाम दे दीजिए इनको, कि ये सब सेठी हैं, इनके नाम के पीछे सेठी लगा दीजिए। ये सेठी हैं हमारे, ये रंजीत गौतम सेठी, देश राज प्रेमी सेठी, हरीश कुमार सेठी, देवेंद्र कुमार सेठी, श्याम सुंदर सेठी, राकेश कुमार सेठी, ललित मोहन सेठी, मोहित कुमार सेठी, डीएस गौतम सेठी, संजय सेठी, विजय कपिल सेठी, मनोज सागर सेठी, राजीव कुमार सेठी और संजय कुमार सेठी। जरा ताली बजाओ, आपके यहाँ 14 सेठी आ गए। और इन सेठियों को करना क्या है, बहुत आसान काम बता रहा हूँ आपको। और ये मत समझना कि ये काम मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। मैंने बचपन में 1 रुपए का हार 12 रुपए 15 रुपए बेचा, एक एक दिन में 20-20 हजार कमाए हैं। जब मैं इस गुलामी की नौकरी में आया तो मेरी तनख्वाह 7 हजार थी और मैं उस समय मास्टर था, तो 42 हजार रुपये मुझे मिलता था उस समय।
ये व्यापार इतनी बढ़िया चीज होती है जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने बचपन से व्यापार किया है और मैं अभी व्यापार के बारे में बताना आपको शुरू करूँ। ये जो 12 लोग जो 14 लोग हैं, इन्हें क्या करना है कि ये सदर से जाके सबसे बेहतरीन मसाला खरीदे, सबसे बेहतरीन सिर्फ अपने 14 लोगों के लिए। चीनी की बोरी खरीदें, सूजी खरीदें, चावल खरीदें, वहां जितने में ये यहाँ 20,000 में खरीदेंगे वहां उनको 14,000 रुपए में मिल जाएगा। और 6,000 रुपए की क्या होगी कमाई, क्या होगी 6,000 की कमाई होगी। जो माताएं बहनें हमारी यहाँ सामान खरीदती हैं वो 2-3 का ग्रुप बना के मेट्रो में बैठ के और चली जाए सदर घूमने के लिए। वहां कोई लूटमार नहीं होती है। वहां क्या होगा, आप जो पत्ता उठाओगे, जो सामान उठाओगे, उसका रेट वहां बिल्कुल फिक्स है। आप उनसे कहो कि ये वाली जो मालाओं की लड़ी है कितने की है, वो 20 का पैकेट अपने यहाँ गिफ्ट में दो और उनको बेचो। ये जो 14 लोग हैं, अगर ये मसाला यहाँ ले आते हैं अपने कैंपस में, या चीनी की बोरी ले आते हैं, या ऐसी चीज ले आते हैं जो खराब नहीं होती है, तो ये पूरे मोहल्ले को कम रेट में दे सकते हैं तो सेवा होगी। और अगर थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट लगा के देंगे तो ये कमाएंगे भी। और ये कमाने का काम बहुत आसान है। ये इतना आसान काम है कि इससे आसान काम एक और है। यानी ये सबसे आसान काम इसलिए है कि इसमें आपने कुछ नहीं किया, ना तो आपने चीनी बनाई है, ना आप मसालों को भीन के लाए हैं, आपने कोई लेबर का काम नहीं किया। सिर्फ इतना काम किया कि आप बाजार गए और वहां से सामान ले आए, और लाना भी नहीं चाहते तो वहां ट्रांसपोर्ट होती है, वो आपके घर पहुंचा दे। यानी लेबर का काम नहीं है। इसको हमारी सारी माताएं बहनें करें। तो ग्राहक कहाँ ढूंढोगे आप? ग्राहक अपने रिश्तेदारों का ढूंढो, अपने रिश्तेदारों का फायदा करो। आप सदर जरूर जाना चाहिए, बच्चों के साथ जाना चाहिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप जो घर चलाती है 10,000 में वो 6,000 में चल जाएगा। ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे आसान काम है। जो तेज दिमाग के लोग होते हैं वो सब ये करते हैं। पाकिस्तान से जितने लोग आए, मंगोल से जितने लोग आए, मध्य एशिया से जितने लोग आए, उन्होंने ये काम सबसे पहले पकड़ा। उन्होंने कोई लेबर का काम नहीं किया, उन्होंने कोई नौकरी नहीं की, उन्होंने कोई गुलामी नहीं की। इसलिए इस काम को करो, क्योंकि आप सेठ ही लोग हो, आप सेठ हो और आप सेठानी है सारी सारी। ये जो 14 लोग हैं इनकी जो पत्नी है उनको सेठानी बोलना आज से कि आप सेठानी हैं, और उनको सच में सेठानी बनाना कि जाओ सदर और सामान ले जाओ हमारे लिए। दूसरा जो सबसे आसान काम है, जो दुनिया का सबसे आसान काम है, वो है जानकारी को बेचना। जानकारी बेचने में आपको सामान के लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं। जानकारी बेचना सबसे आसान काम है। जो बहुत तेज दिमाग का आदमी होता है वो जानकारी बेचता है, इसलिए वो लोगों को पढ़ाता है। वो पढ़ता है और पढ़ाता है। इसमें पेन भी उसका, सामने वाले का घर भी उसका है, किताब भी उसकी है, आपका कुछ नहीं है। तो जितने गुरुजन होते हैं, जितने टीचर लोग होते हैं, वो दुनिया में सबसे आसान काम करते हैं पढ़ाने का। दूसरा आसान काम जैसे क्या है, जानकारी बेचने का, जैसे वकील करता है। आप एक बार जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो जिंदगी भर कमाएंगे। आपने कुछ नहीं बेचना, आपने सिर्फ जानकारी बेचनी है, आपने किसी को कुछ नहीं देना, सब हवा में है। तीसरे नंबर पे आता है डॉक्टर। डॉक्टर के पास आप जाते हो, दवा अपनी खरीदते हो, सारे काम अपने करते हो, वो जानकारी बेच के पैसा लेता है। इसलिए जानकारी का काम दुनिया में सबसे आसान होता है। और सबसे आसान काम है दुनिया में पढ़ना। पढ़ना सबसे आसान काम है, क्योंकि आप पढ़ाई को खोद नहीं रहे हो, आप सिर्फ पढ़ रहे हो। जो किताब में लिखा है उसे पढ़ना है, उसे समझना है। तो दुनिया का सबसे आसान काम अगर कोई है तो पढ़ना है। इसलिए पढ़ते रहिए जीवन भर, और अपनी जानकारी को बेचते रहिए और उसका पैसा बनाते रहिए। ये सबसे आसान काम है। दूसरे नंबर का आसान काम है आप बिजनेस कीजिए। और सबसे घटिया काम है लेबर होने का, सबसे घटिया काम है किसी का नौकर होने का, जो आपके लोग करते हैं, जो आप करते हो, और जिसमें आप अपना फक्र महसूस करते हो। इसलिए सेठ हो तो सेठ बनो, सेठानी हो तो सेठानी बनो। धन्यवाद। जय भीम। नमो उद्धार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।